संजना भट्ट का यह वीकेंड दोस्तों बहुत ही धमाकेदार तरीके से रहा। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों कि पिछला वीकेंड जो कि ब्लॉकबस्टर हीरोइन स्पेशल था, जिसमें कि पहले वीकेंड के लिए रवीना टंडन जी स्पेशल मेहमान बनकर आई थी, उनकी मौजूदगी में संजना भट्ट ने फिल्म मोहरा का गाना सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्यार करो, इस गाने को परफॉर्म करके जहां रवीना जी का दिल जीत लिया, और साथ ही साथ रवीना जी के सामने में उन्हीं के फिल्म दिलवाले के कुछ डायलॉग्स बोलकर संजना भट्ट ने उनके दिल में अपने लिए खास जगह बना ली। आपको बता दूं, स्टेज के ऊपर में संजना भट्ट अपने हस्बैंड के साथ में आकर फिल्म दिलवाले का कुछ डायलॉग्स बोलते हैं दोस्तों, जो कि उनका एक नया एक्ट है, जो कि हम लोगों ने अभी तक आज तक नहीं देखा था, वो एक नया रूप उनका देखने को मिला है, जिसकी कि सबों ने जम के तारीफ की है। वहीं बात करें दूसरे एपिसोड की, जिसमें कि आयशा झुलका जी और साथ ही साथ मधु जी स्पेशल मेहमान के रूप में आई थी, उनकी मौजूदगी में संजना भट्ट ने फिल्म रोजा का खूबसूरत सा गाना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, इस गाने को वो अपनी बेटी को साथ में रख कर परफॉर्म करती हैं, और साड़ी में वह इस परफॉर्मेंस को देती हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि इस परफॉर्मेंस से पहले संजना भट्ट सलवार और सूट में रहती हैं, जबकि मधु जी उनके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आती हैं और वह उन्हें साड़ी के रूप में देती हैं, कि यह साउथ इंडियन कल्चर का ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, इसे आप पहनिए और इसके बाद आप इसे पहनकर परफॉर्म कीजिए। तो संजना भट्ट साड़ी में बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं, और साथ ही साथ वो अपनी बच्ची को साथ में रख कर इस गाने को परफॉर्म करती हैं, और इनका परफॉर्मेंस इतना खूबसूरत रहता है कि इनके परफॉर्मेंस को 100 का स्कोर मिलता है दोस्तों। तो वहीं रवीना टंडन जी ने भी, उनके मम्मी पापा ने उनके लिए स्पेशल गिफ्ट दिया था, जो कि उनके बच्चों को दिया गया। तो इस वीकेंड के दौरान में दोस्तों हमारे सभी हीरोइंस ने संजना भट्ट के लिए स्पेशल गिफ्ट भी दिए हैं, और उनका खूबसूरत सा परफॉर्मेंस निकल कर सामने आया है, जिसके वजह से उन्हें 100 का स्कोरिंग मिला है। तो यह वीकेंड संजना के लिए बहुत ही दमदार तरीके से बीता दोस्तों। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सारे गामा पा के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।